तो आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ लूप्स के बारे में, और लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानिए लूप की ज़रूरत क्यों होती है। तो छोटा सा एक एग्जांपल मैं दूंगा, उसमें पता चलेगा कि आपको लूप की ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसे नेम हो गया, सिटी हो गया, और यहाँ अमाउंट, एक छोटा सा स्टिकर मैं बना रहा हूँ, छोटा सा पुणे दिल्ली और यहाँ पे हमने टोटल दे दिया, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया और इसको हम कर दिए फॉर्मेट, इसको कर दिया बोल्ड। और ऊपर वाले को हमने कलर कर दिया, एक छोटा सा स्टिकर हमने बनाया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्टिकर को कॉपी पेस्ट करना है नीचे की तरफ, मतलब इसको कॉपी करके एक लाइन छोड़ के यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह से। तो मुझे कभी 5 बार करना होता है, कभी 10 बार, कभी 15 बार करना होता है। तो इसके लिए हम वीवी प्रोग्रामिंग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 स्क्रीन खोल लिया है, विंडो 11 का ये फीचर है कि 2 विंडो आसानी से एक साथ रख सकते हैं आप। उसके बाद इंसर्ट करते हैं हम मॉड्यूल्स, और यहाँ हम सब्जेक्ट करके लूप _1 का फाइल हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A1 से लेके C5 को कॉपी करना है। तो यहाँ लिखते हैं रेंज A1 से लेके C5.copy। उसके बाद मुझे पेस्ट करना है इसके लास्ट से एक रो छोड़ के। तो वही मेथड अपनाएंगे कि हम यहाँ पे A65000 पे जाएंगे, फिर नीचे से कंट्रोल अप के तरफ ऊपर आएंगे, और फिर दो रो नीचे आएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ हम वीवी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करेंगे, कि हम करेंगे यहाँ पे रेंज A65000 .end, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, up.offset यहाँ पे 2,0.select, और यहाँ पे फिर हम करेंगे एक्टिव शीट .paste, क्योंकि पेस्ट जो है वो शीट का पार्ट है, ना कि रेंज का पार्ट है। तो हम इस लाइन को हटाना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट के जगह पे डायरेक्टली पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, जी हाँ, .paste special। क्यों, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो एक कॉपी एंड पेस्ट करते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो ये आप एक्टिव सी डॉट पेस्ट में जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में ऑल सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो वो भी कॉपी पेस्ट की तरह ही होता है। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि हमने एक लाइन बचा लिया। अगर हम ये पेस्ट स्पेशल ना करते तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर यहाँ नीचे एक्टिव सी डॉट पेस्ट करना पड़ता, ये लाइन हमने बचा ली। और यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल में पेस्ट ऑल नहीं किया है, बनाया पेस्ट ऑल किया जा सकता है, लेकिन हम ना किए क्योंकि डिफॉल्ट और पेस्ट ऑल ही होता है। कमरान जी, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन आपको दे दी है, यू कैन रिकॉर्ड इट। विनोद जी, आप भी अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, Alt+ मैंने कर लिया ऑलरेडी, कंटिन्यू कर दिया। नहीं सर, नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही, Alt+R प्रेस कीजिए। क्या करना बोले सर? Alt+R, R for record। अभी रिकॉर्ड हो रही है सर। अब क्या है कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां से एक बार पेस्ट होगा। मुझे मान लीजिए कि 5 बार पेस्ट करना है, तो हमें इस लाइन को कॉपी करके 5 बार पेस्ट करना पड़ेगा, जी हाँ, 5 टाइम, तब जाके मेरा ये जो है 5 टाइम पेस्ट होगा। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि अगर हम 5 बार करें, फिर मुझे 15 बार करना हुआ, कभी 20 बार करना हुआ, तो क्या मैं इस लाइन को 20 बार रिपीट करूँगा? जी नहीं। इसी रिपीटेशंस को बचने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, कि इस लाइन को हम लूप में डाल देंगे और जितना मर्जी उतना बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे लिखा कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू हमने बोल दिया फाइव और यहाँ पे नेक्स्ट आई। अब यहाँ फोर देखिए फोर और नेक्स्ट के बीच में जो लाइन होगा उस लाइन को रिपीट करेगा, तो आपको यहाँ ये भी डिसाइड करना है कि किस लाइन को रिपीट करना है। हमने कॉपी को रिपीट नहीं किया, क्यों? लूप से लूप के अंदर नहीं रखा, लूप के बाहर हमने रखा। ऐसा इसलिए कि हम कॉपी एक बार करते हैं और पेस्ट कई बार करते हैं, तो हमें कई बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ भी ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेप को हमें रिपीटेड लूप में डालनी है या नहीं डालनी है। भुवन जी समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर, यस यस। तो अब यहाँ भी हमने कर दी इसको आई क्यों लिया है हमने, व्हाई वी हैव टेकन आई। आई एक वेरिएबल है, आई लेने के पीछे पर्पस ये है कि लूप जब रिपीट होगा तो काउंट कहाँ रखेगा कि कितना बार रिपीट हो चुका है। इसको देखने के लिए आप स्टेप इन्फो डिबग में स्टेप इन्फो जिसका शॉर्टकट एफेट होता है उसको यूज करेंगे तो वन बाय वन रन होगा। तो देखिए हमने एफेट प्रेस किया और देखिए इसने कॉपी कर लिया, पहले यहाँ पे कॉपी कर लिया, इफेक्ट दिख रहा है आपको। अब देखिए इसने आई क्या है, एक वेरिएबल है, एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी लेते हैं ना, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हैं आप तो क्या करते हैं कि x इक्वल टू 100 और जहां 100 की जरूरत होती है वहां x यूज करते हो, क्या सर? ओके ओके। तो सेम ये हमने वेरिएबल्स ले लिया। अब क्या हुआ कि ये हमने वेरिएबल्स लेके 4 को दे दिया। 4 क्या कर रहा है कि जब भी और इस लाइन को रिपीट कर रहा है वो इसके ऊपर एक नंबर स्टोर कर रहा है, एक दे रहा है इसको काउंट करने के लिए। सर इसके पहले जो फोर क्यों लगा, और आई इज इक्वल टू सर लूप का कोड से सब्जेक्ट के लिए सब लगते हैं ना, ऐसे लूप के लिए फोर लगता अच्छा। है इनिशियल वर्ड है और लूप को खत्म करने के लिए नेक्स्ट लगता है। ठीक है अब मैं एफेट एक बार और एफेट करता हूँ तो इसने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ने चेक किया कि i इक्वल टू वन है, मतलब कि चलना तो 5 तक है, मतलब कि लूप चलेगा, तो ये वापस 4 को देगा, 4 वापस इसके ऊपर एक ऐड और करेगा, इसने 2 कर दिया, आपने देखा i के रिकॉर्ड 2 हो गया। अब यहाँ पे उसने दूसरा पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट ने अगेन चेक किया, फिर यहाँ पे 4 ने फिर एक और ऐड कर दिया, 3 कर दिया और फिर वापस 4 एंड 4 एंड 4। अब नाउ चेक किया, नेक्स्ट ने चेक किया कि आई इज 5 और 5 तक ही रन करना है, तो ये बाहर निकल गया क्योंकि आई का मान ऑफ 6 हो चुका है और जो कि 5 से ज्यादा है और 5 टाइम रन करता है। आई की जगह पर सर दूसरा कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आई क्या है ना कि हर जगह आई ही लिखता है, हर कोई आई स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत न हो क्योंकि इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे जहाँ भी लूप का यूज दिया गया है वो सब जगह आई ही इस्तेमाल करते हैं। बट यू कैन आई की जगह पे ए बी सी डी है, एक इल्टीजेड अपना नाम, अपने गर्लफ्रेंड का नाम, कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आई कि हमारा प्रोग्राम तो रन हो गया बट प्रॉब्लम इज दैट कि 5 फिक्स हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि रन करते समय मुझसे पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स मैं एंटर करूँ तो फिर वो आगे बढ़े। तो याद होगा कि स्टार्टिंग क्लास में हमने आपको बताया था इनपुट बॉक्स के बारे में, तो यहाँ हम इनपुट बॉक्स और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज देते हैं कि एंटर नंबर, ठीक है। अब मैं जैसे रन करूँगा, यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर माइक्रोज में जाके आप यहाँ माइक्रोज से भी रन कर सकते हैं या शॉर्टकट या बटन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। पूछा नंबर्स, हमने बोल दिया नंबर इज 3 एंड ओके, तो ये 3 टाइम रन करेंगे। तो लूप समझ में आया कि लूप का क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है? भुवन जी, अतुल अतुल जी तो नहीं आया? यस सर। कमरान जी समझ में आया आपको? यस सर। अब चलिए कुछ या। कुछ दिक्कत है सर क्या? हेलो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ओके गॉट इट। अब चलिए इसमें हम एक एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, मैं इसको इस सीट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम डेटा लेते हैं और एक छोटा सा डेटा लेते हैं, यहाँ पे मंथ लेता हूँ मैं, मंथ छोटा सा डेटा मैं लिया।
छोटे डेटा पे क्या होता है ना सर, इफेक्ट आपको समझ में आता है कि क्या इफेक्ट है। जैसे अभी आपने देखा, वही बड़ा डेटा होता है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या हुआ क्या, इसलिए मैं हमेशा छोटा डेटा लेता हूँ। तो मेरे पास एक सीट में कई सारे डेटा है, एक सीट में क्या है, कई सारे डेटा है। ये डेटा हमारा हो, अब इस डेटा को कॉपी करता हूं और मैं कई सारे शीट्स बनाता हूं। पांच सीट, फाइव शीट बना लिया मान लीजिए। मैं कॉपी करके इसको पेस्ट स्पेशल कर देता हूं ताकि इसकी रैन बिटवीन का फॉर्मूला रिमूव हो जाए। रिमूव हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी शीट्स का डेटा है उस शीट का डेटा एक अलग शीट, एक डेटा शीट जो है यहाँ पे उस पर रखना है, और डेटा शीट मेरा सबसे लास्ट में या फिर समरी कर दीजिए, समरी। तो आप अगर जाएंगे मैनुअली, मैं फिलहाल इसको छोटा कर देता हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको फिलहाल जो है सबसे पहले क्या करना होगा, अगर मैनुअल की बात करें तो आपको सबसे पहले इसको कॉपी करना है, समरी शीट पे जाना है, पेस्ट करना है, पहला पोजीशन ये रहा। दूसरे बार दूसरे शीट में जाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और समरी शीट पे आना है और सबसे लास्ट में जाके पेस्ट कर देना है, हेडिंग डिलीट कर देना है। इसी प्रोसीजर को आप कंटिन्यू अपनाएंगे क्या भुवन जी? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बटन क्लिक करूँ, मेरे पास 5 सीट हो या 50 सीट हो या 500 सीट हो, ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, लूप टू राइट ओपन क्लोज। सबसे पहले हम जाएंगे डेटा शीट्स में, शीट्स 1.select, मतलब सीट 1.select मतलब कि सीट का पहले नंबर पोजीशन पे आएगा, ठीक है। 1 हमने इसे दिया क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे सीट्स के नेम है तो वो सीट्स के नेम के अकॉर्डिंग चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम सिर्फ नहीं सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर रेंज A1.currentRegion.copy, ये क्या करेगा, करेंट रीजन, करेंट रीजन इसको सिलेक्ट ऑल करके इसको कॉपी कर लेगा, ठीक है। करेंट रीजन इसको कॉपी कर लिया, तो हमने सीट वन पे गए और जहां डेटा, जिस डेटा को कॉपी करना है हमने कॉपी कर लिया। वापस हम आ रहे हैं किस पे, शीट्स समरी पे, समरी। अब समरी शीट पे मुझे एक के नीचे पेस्ट करना है, तो सेम हम समरी शीट पे जाएंगे। देखिए एक कोड क्या करेगा, समरी शीट पे आ जाएगा जो कि सबसे लास्ट में है, और मुझे एक के नीचे, मैं कर्सर कहीं भी हो सकता है, मैं एक के नीचे पेस्ट करना है हमें। तो यहाँ पे हम सेम वही A65000 वाला मेथड अपनाएंगे, A65000.xlsup.offset 1.0 और वहीं पेस्ट स्पेशल, वैल्यू करना है तो वैल्यू कर दीजिए या ऑल करना है छोड़ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अब ये कोड अगर मैं इसको एक बार रन करूं तो क्या होगा कि ये सिर्फ एक सीट का डेटा, ए स्किप आउट ऑफ द रेंज, ओके 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 ओके, मुझे लग रहा है समरी सीट का स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं यहां से, तो ये देखिए यहां पे पेस्ट कर दिया। तो ऑफसेट इज अ फार्मूला राइट, क्या ऑफसेट जो आपने दिया है रेंज, नहीं ऑफसेट फार्मूला नहीं है, होता क्या है जैसे कि आप अगर बात करो कि मुझे यहां 20 पे आना है, तो आपको पता है कि 20 पे तो आप क्लिक करवा दोगे रेंज ये वो A20.select, बट मुझे यहाँ पे कंडीशन ये जाना है कि मुझे अपने डेटा के सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है।
तो लास्ट में जाने के लिए आपके पास कोड क्या है, ए है, समझ गए। हाँ अब यहां पे मुझे बोला है कि लास्ट से एक कॉलम नीचे आना है, लास्ट ओके से एक कॉलम नीचे आना है, तो उस केस में हम ऑफसेट इस्तेमाल करेंगे। वो क्या करेगा कि जहां पे एक्सेलस अप रुकेगा उससे नीचे एक कर्सर ला देगा, क्योंकि यहां पे हमने वन दिया, ए आपका रो का पार्ट होता है या आपका कॉलम का पार्ट होता है। तो ऑफसेट वन मतलब A20 से मेरा टेस्टिंग चालू हो जाएगा, राइट? नहीं, ऑफसेट मतलब हुआ कि जहां पे हमारा एक्सेलस एंड अप रुक रहा है वहां से हाँ एक रो नीचे है। ओके, वो इट मीन्स 20 इन की दिस जगह पे केस टू ए हंड्रेड भी ट्वेंटी हो वन सकता है। दिस केस ए ट्वेंटी वन राइट? राइट। ओके सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा ए 65,000 पे, ठीक है। 65,000 की जगह पे आप 10 लाख 20 लाख भी दे सकते हो, लेकिन मैं स्टैंडर्ड ही राइट 65,000 डालता हूँ। फिर राइट यहां से ये यहां पे पहुंच गया, पहला कोड क्या किया इसने, यहां पे पहुंचा दिया। अभी बोला यहां से एंड एक्सलेस अप, अब कंट्रोल की को प्रेस करेगा और अप एरो को यूज करेगा। तो अप एरो यूज करने से क्या होगा इसमें कि सबसे ऊपर वाले पहुंचे, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा जहां ब्लैंक खत्म होता है, राइट मतलब जो जहां ब्लैंक सेल खत्म होता है वहां पहुंचेगा, मतलब कि वो पहुंच जाएगा आपके डेटा के लास्ट रो पे, पहुंच गया। अब यहां पे ऑफसेट का काम शुरू होता है कि भाई ऑफसेट जो है जहां पे कर्सर पहुंचा है वहां से एक रो नीचे आओ, एक रो जीरो राइट कॉलम, वो यहां आएगा, ठीक है। फिर करेक्ट। पेस्ट स्पेशल क्या कर रहा है, इस पे पेस्ट स्पेशल कर रहा है। तो ये जो है चार कोड को मिक्सअप करके एक कोड बनाया गया, इसको चार अलग अलग लाइन में भी लिखा जा सकता था लेकिन हमने एक लाइन में लिख दिया। सबको समझ में आ गया। या अब बिल्कुल यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि ये हमेशा एक ही सीट को करेगा कॉपी पेस्ट, क्योंकि तो हमने यहां पे सीट वन दिया है। अगर मुझे दूसरी सीट के चाहिए तो सेम कोड को मुझे यहां पे लिखना होगा और यहां पे देना होगा सीट टू, फिर यहां पे सीट थ्री। लेकिन ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना सर, अगर 50 सीट होगा तो 50 में कॉपी पेस्ट करें, जब कोड कॉपी पेस्ट करेंगे उससे अच्छा हम डेटा भी कॉपी पेस्ट कर लें, ये तो ऑटोमेशन हुई नहीं। तो यहाँ जैसे हमने ऊपर लूप का इस्तेमाल किया है ऐसी तरह से हम यहाँ भी लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ इसके अंदर देंगे कि 4i = चले 1 2 5 और फिर मैक्स आई, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर बार इस वन सीट को ही तो कर रहा है, ये नंबर 1 2 3 4 भी होना चाहिए ना सर। तो आपने ऊपर देखा कि आई जो है हर बार अपना काउंटिंग चेंज करता है, एक बार चला तो i1 हो गया, दूसरा बार चला तो i2 हो गया, तीसरा बार चला तो i3 हो गया। आई एक क्या है, ब्रेवल है, हम फोर में यूज कर सकते हैं तो यहां हम शीट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं एफिट करके यूज करता हूं ना स्टेप इन्फो से, तो इसने सबसे पहले क्या किया, यहां पे आया, आई ने देखा कि आई ने अपने पास एक फोर ने आई को वन दिया, आई ने अपने अंदर एक स्टोर कर लिया और ए वन दे दिया वापस सीट्स को, तो सीट को मिल गया 1 डॉट सेलेक्ट, पहले नंबर सीट पे आ गया, आ गया। फिर इसने ए वन करेंट रीजन से डेटा को कॉपी कर लिया, फिर समरी सीट पे गया और सबसे ऊपर जाके डेटा को पेस्ट कर दिया। फिर वापस नेक्स्ट आई ने अपना रिजल्ट चेंज किया, आई टू हो गया और फिर वापस गया, डेटा को कॉपी किया, सिलेक्ट किया, पेस्ट किया 1 बाय 1। ये कब तक चलेगा, 5 टाइम, और डेटा आपका पेस्ट हो गया सारा। अब इसमें दो एक प्रॉब्लम है कि हर चीज में हेडिंग ला रहा है, मैं मान लीजिए कि मैं अपना हेडिंग उठा के यहाँ रख दिया और मुझे किसी कहीं और हेडिंग ना है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि डेटा को उसने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो पेस्ट करेगा तो जो हेडिंग वाला सेल है वही एक्टिवेट होगा, देखिए A2 एक्टिवेट है ना, जो हेडिंग वाला मैंने कि सेल है वही एक्टिवेट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा कोड डालेंगे कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो क्या करेगा कि पेस्ट करने के बाद हेडिंग वाली सेल, मतलब पहली जो एक्टिव सेल है जो हेडिंग वाली होती है ऑब्सोलीट,
उसको डिलीट कर देगा, राइट सर। तो यहां हम इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हेडिंग नहीं है, एक हेडिंग मैनुअली डालना पड़ेगा आपको, मैंने यहां डिलीट कर दिया था। यहाँ एक मेरा डाउट है, पहले इसमें हमने लिखा था कि पहले सब लुक किया बाद में रेंज दिया था एंड देन थर्ड वन फॉर आई वेरिएबल हमने लिया था, बट अब सेकंड जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें लूप बराबर दे दिया, बट इसमें बाद में हमने फॉर आई किया और बाद में सीट और फिर रेंज दिया, तो इज इट ओके फॉर हम ऊपर नीचे करेंगे रेंज और फॉर आई इज ओके? नहीं नहीं फोर देखिए फोर लूप एक फोर आई क्या कर रहा है, सिंपल समझिए फोर का काम क्या है, जो कोड आप इसके अंदर में डालेंगे उसको रिपीट करेगा उतना बार रन करेगा जो आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट से करते हैं, बस समझे। तो आपको पहले कोड बनाना है मैनुअल, जब आपका मैनुअल कोड परफेक्ट वर्क कर जाए तो फिर उसको लूप के अंदर डालना है, और ये लूप के अंदर में सारा होगा क्योंकि तभी तो रन करेगा, अगर इसको उठा के मैंने बाहर कर दिया तो फिर वो एक बार रन करेगा, पांच बार तो रन करेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने कॉपी किया, कॉपी को लूप से बाहर रखा, तो सिर्फ कॉपी को सिर्फ एक बार कर रहा है ना, पेस्ट वो पांच बार कर रहा है या दस बार कर रहा है। सेम उसी तरह से अगर मैंने इसमें से किसी भी लाइन को लूप से बाहर पहले या बाद में कर दिया तो क्या होगा, वन टाइम रन करेगा और आपका कोड पूरी तरह खराब हो जाएगा, क्योंकि हर एक लाइन हर एक सीट के लिए होना चाहिए। जैसे कि हमें हर सीट पे 1 2 3 सीट पे जाना ही है, हर सीट के डेटा को कॉपी करना ही है, और कॉपी करने के बाद हमेशा वापस समरी पे आना ही है, और हमेशा मुझे इसको सबसे लास्ट में पेस्ट करना ही है, और पेस्ट करने के बाद इसको डिलीट करना है। तो एक भी लाइन इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इसको आप लैंग्वेज की तरह समझिए, आपको इसको एक्सेल, आपने आप एक्सेल बनाइए कि मैं एक्सेल हुआ, मुझे ये टास्क दिया गया है और मैं इसको करना चाहता हूँ, और सारे नियम कानून के साथ कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ये स्टेप वन बाय वन चलता है, एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप, तब तीसरा स्टेप, कोई भी स्टेप को अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपका प्रोग्राम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, यहीं पे समझ जाइए कि यहाँ अभी क्या है कि पांच सीट हमने यहाँ पे कर दिया है फिक्स, पांच सीट फिक्स हो गया। अब मेरे पास सीट पांच के जगह पे 15 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, या फिर 500 भी हो सकते हैं, राइट। तो इसे जैसे मैंने यहां इनपुट बॉक्स लगाया है और उसको ऑटो कर दिया है, ऐसे मुझे यहां ऑटो करना है, लेकिन मैं यहां पे ऑटोमेटिक जो है इनपुट बॉक्स के जरिए नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई अपने आप काउंट कर ले। तो एक होता है कोड होता है शीट्स डॉट काउंट, जो कि बताता है कि जिस फाइल एक्टिवेट है, जिस पे परफॉर्म हो रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स है। तो सीट डॉट काउंट हमने कर दिया तो ये सीट का काउंट दे देगा, और जितना सीट का काउंट मिलेगा उतना ही परफॉर्म करेगा। तो ये भी ये तो ऑटोमेट हो गया, पर ये आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि सीट डॉट काउंट जब करेगा तो समरी सीट को भी काउंट कर लेगा, बात समझ रहे हैं ना, और समरी सीट का डेटा भी कॉपी करके वापस समरी सीट पे पेस्ट मार देगा। तो हर एंगल से आपको सोचना होगा कि भाई यहाँ समरी सीट हमारा सबसे लास्ट में है, और समरी सीट जो है वो कॉपी के अंदर, लूप के अंदर नहीं आना चाहिए, कॉपी के अंदर नहीं आना चाहिए, लूप के अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कर देंगे -1, मतलब कि सीट जितना काउंट करो उससे एक कम पे चलो, तो ये सिक्वेंसली चलेगा, यहाँ पे इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा, काउंट जितने सीट 6 होगा 6 -1 5 कर लेगा, अगर 10 हुआ तो -1 9 कर लेगा वो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा कि समरी सीट को सबसे लास्ट में रखना होगा, क्योंकि ये सिक्वेंसली चल रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि समरी सीट को कॉपी लूप से बाहर रखना है। तो इसलिए -1 हमारा हुआ, लेकिन इसमें कंडीशन लग गया, ये फुल्ली ऑटोमेट नहीं हुआ। अगर फुल्ली ऑटोमेट करना है तो हमें इस कोड को बताना होगा कि भाई समरी सीट को नहीं लेना है, तो उसके लिए यहाँ हमें देना होगा, क्या देना होगा, कोड कि इफ कंडीशन देना होगा, इफ सीट्स आई डॉट नेम, कि जिस सीट का डेटा कॉपी करने जा रहा है उसका नेम नॉट इक्वल टू होना चाहिए समरी,
दैन, और फिर इसको एंड इफ के अंदर। अब देखिए हर जो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो क्लोज होता है, जैसे कि फोर स्टार्ट हुआ तो यहाँ नेक्स्ट से क्लोज हुआ, ऐसे इफ स्टार्ट हुआ तो एंड इफ से क्लोज हुआ, ये जरूरी है, क्लोज करना होगा। तो इसलिए बोला कि भाई सीट आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू समरी, देन पहले सीट को सिलेक्ट करो और उसके बाद बाकी जो करना है प्रोसीजर करो। अब मेरा मैक्रो परफेक्टली वर्क करेगा और 100%, इसमें कोई भी कॉज बिकॉज नहीं है, सारे शीट्स को डेटा को सारे डेटा को कॉपी करेगा और एक सेल में ला के पेस्ट करेगा। भुवन जी, अतुल जी, संग्राम जी, कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है? अब आप ये तो चलिए, मैंने आपको दो एग्जांपल दिखाए, कोड के एग्जांपल दिखाए, अब इस कोड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और डेटा तो छोटा सा डेटा आप बना सकते हैं, देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपको दो चीज़ें करनी है, पहली चीज़ ये करनी है कि ये डेटा यहाँ कुलेट हो रहा है, लेकिन किस सीट से कुलेट हो रहा है इसका आइडिया लगाना मुश्किल, बात समझ रहे हैं? अगर बाद में इस डेटा को सेपरेट करना, मतलब आपने कुलेट कर लिया और बाकी सीट को डिलीट कर दिया और 6 महीने बाद बोला गया कि भाई मुझे वापस अलग अलग सीट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा सीट का डेटा कौन सा है। सो यहाँ पे एक कॉलन आपको ऐड करना है, इस कोड के अंदर में कुछ चेंजिंग करने हैं जो एक नई सीट के अंदर, एक नई कॉलम के अंदर जिस भी सीट से डेटा कॉपी करेगा उस सीट का नाम डालेगा। जैसे कि इसने मान लीजिए कि 18 तक कॉपी किया है डेटा शीट से, तो डेटा शीट नाम डाल दे, मतलब कि जब वो शीट डेटा कॉपी पेस्ट करे, मतलब कि आपको कोड यहाँ डालना कैसे है कि जैसे वो डेटा गया डेटा शीट में, गया डेटा शीट में जाने के बाद इसने इसको कॉपी किया, कॉपी करके समरी पाया, इसको पेस्ट किया, इसने माइनस किया, उसके बाद यहाँ उसने अपना शीट का नेम दे दे कि भाई डेटा शीट से टू कॉपी, फिर दूसरा शीट का डेटा पेस करेगा और फिर यहाँ पे दूसरा शीट का नाम डाल देगा। समझ गए भुवन जी, अतुल जी, संग्राम जी, असाइनमेंट समझ में आया आपको? यस सर। दूसरी असाइनमेंट है जिसमें मुझे डाउट है कि आप नहीं कर पाए इसको, तो अगर आपने माइक्रो को सही से सीख रहे हैं तो आप इसको कर लेंगे। दूसरा एक माइक्रो है जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कल की क्लास में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर दूसरा असाइनमेंट ये है, जब आप इस असाइनमेंट को पूरा कर ले तो उस असाइनमेंट पे वर्क करें। देखिए अभी जो डेटा हमारे है, सर इफ और देन का भी क्या बोल रहे हैं सर, इफ और देन लगा उसके बारे में और एक बार, हाँ इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। इफ यहाँ पे इफ हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा जरूरत थी यहाँ पे, देखिए जब प्रोजेक्ट होता है ना तो उसमें जरूरी नहीं है कि जितना आप सीखे हैं उतना ही यूज हो, उससे आगे की भी एक दो टॉपिक यूज हो सकती है एज पर डिमांड, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक लाइव प्रॉब्लम होती है। तो इफ इतना समझिए ना कि हमने कंडीशन दिया कि इसका नेम नॉट इक्वल टू समरी, तो इस कोड को रन करें अदरवाइज रन ना करें, सिंपल सा है कि आपको यहाँ इफ देना है, यहाँ पे कंडीशन देना है, देन देन उसके बाद जो अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कीजिए, और उसके बाद जहाँ जितना खत्म हो गया आपका कोड खत्म हो गया तो यहाँ पे एंड इफ कर दीजिए, ठीक है? तो दूसरा असाइनमेंट इसमें यह है कि आपको ये जो सीट्स है एक फाइल के अंदर में, मेरे पास एक फोल्डर में 20 फाइलें हैं और 20 फाइलें की सीट के अंदर एक एक सीट है, उस सीट का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कि मुझे जो डेटा कुलेट करना है वो एक फाइल के अंदर अलग अलग सीट पे नहीं है, एक फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल में है, राइट सर? इसको कीजिए,